हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं बनाने जा रही हूँ सुपर टेस्टी नाश्ता। आइए शुरू करते हैं बनाना ये नाश्ता। इसके लिए सबसे पहले हम आटा गूंथ लेंगे। यहाँ पे मैं 1 कप मैदा और 1 कप आटा ले रही हूँ। साथ ही मैं इसमें 1/2 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। नमक डाल के आटा को अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। इसमें मैं 1 चम्मच घी ऐड कर रही हूँ। घी डाल के भी आटे को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब मैं इसमें 1/2 कप गरम दूध ऐड कर रही हूँ और अच्छे से आटे को गूँथ ले रही हूँ। गरम दूध में आटे को गूँथने से हमारी पूरियाँ जो है एकदम फूली फूली बन के तैयार होंगी। थोड़ा सा पानी डाल के मैं आटे को अच्छे से गूँथ ले रही हूँ। आटा हमें थोड़ा टाइट ही गूँथना है। अब आटा हमारा गूँथ के तैयार है। इसे 15 मिनट रेस्ट के लिए रख दे रही हूँ। जब तक हमारा आटा रेस्ट कर रहा है तब तक मैं जीरा आलू फ्राई बना ले रही हूँ। इसके लिए कढ़ाई में 2 चम्मच तेल गरम कर रही हूँ। तेल अच्छे से गरम हो गया है। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच राई ऐड कर रही हूँ और साथ ही 2 मिर्च क्रश करके ऐड कर दे रही हूँ। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और खट्टापन के लिए मैं 1 चम्मच अमचूर पाउडर ऐड कर रही हूँ। साथ ही 1/2 चम्मच गरम मसाला ऐड कर रही हूँ और 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। सारे मसालों को अच्छे से पका लेंगे। अब मैं इसमें बॉयल किया हुआ और क्यूब में कटा हुआ आलू ऐड कर रही हूँ और अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। यहाँ पे मैं 5 से 6 मीडियम साइज के बॉयल किए हुए आलू जिसको मैं डाइस में कट कर ली हूँ। यहाँ पे मैं 1/2 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ और अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी का छींटा मार के अच्छे से मसाले को और आलू को मिक्स कर ले रही हूँ और 5 मिनट तक पका ले रही हूँ। इससे क्या होगा कि हमारे मसाले आलू में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, साथ ही मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और हमारा आलू जो है ज़्यादा देर तक सॉफ्ट बना रहेगा। और मैं इसे ढक के 3 मिनट तक पका ले रही हूँ। फ्रेंड्स, अब हमारा जीरा आलू बन के तैयार है। अब मैं इसमें धनिया पत्ता ऐड कर रही हूँ और अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। अब मैं रायता बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। इसके लिए मैं 1 कप दही को अच्छे से फेंट ली हूँ। उसमें मैं 2 से 3 चम्मच बूंदी ऐड कर रही हूँ और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसमें मैं 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, साथ ही 1/2 चम्मच काला नमक ऐड कर रही हूँ और अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। तैयार है हमारा रायता। फ्रेंड्स, अगर आप रायते को क्रंची बनाना चाहते हो तो आप इसमें प्याज को बारीक काट के डाल सकते हो। जब तक हमारा पूड़ी बनके तैयार होगा रायता अच्छे से फूल जाएगा। आइए हम पूड़ी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैं आटे को थोड़ा सा अच्छे से फिर से गूँथ ले रही हूँ।
छोटे छोटे पेड़े बना ले रही हूँ और पूड़ी बेल ले रही हूँ। एक एक करके सारी पूरियों को बेल लेंगे। आप चाहे तो बड़ा या छोटा पूरी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हमारी सारी पूड़ियाँ बेली जा चुकी है। अब इसको तल लेते हैं। कढ़ाई में तेल गरम कर रही हूँ। तेल बहुत अच्छे से गरम हो जाएगा तब हम पूरियों को तलेंगे। तेल हमारा बहुत अच्छे से गरम हो गया है। अब मैं इसमें पूरियाँ डाल के दोनों तरफ से अच्छे से तल ले रही हूँ। फ्रेंड्स, देखिए कितना फूला फूला हमारा पूड़ी बन के तैयार हो रहा है। फ्रेंड्स, वीकेंड पे या छुट्टी के दिनों में आप ये नाश्ता ज़रूर ट्राई करिए। ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। अगर एक बार ये नाश्ता आप बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। फ्रेंड्स, सिर्फ गर्मा गर्म दूध में आटे को गूंथने के वजह से हमारा पूड़ी एकदम फूला फूला, क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट ऊपर से क्रिस्पी बन के तैयार हो रहा है। तैयार है हमारा नाश्ता। अब इसे मैं सर्व कर रही हूँ। गर्मा गर्म फूली फूली पूरियाँ, साथ में जीरा आलू और रायता। फ्रेंड्स, तैयार है हमारा नाश्ता। फ्रेंड्स, ये टेस्टी नाश्ता आप ज़रूर ट्राई करिए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।